तो देखो बच्चों, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपने स्टार्ट करा था, नया चैप्टर एक न्यू सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसका एक लेक्चर अपने जो हुआ था उसके बारे में अपने बात करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। मैंने कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास में हमेशा दो वेलोसिटी होती है। ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो जिगजैग है, ऐसे यूं यूं ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, जो जिगजैग मोशन जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, ये इस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूँगा बच्चों, थर्मल वेलोसिटी। और ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन क्यों करते हैं, क्योंकि आपने कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं करी है, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हीट को क्या करेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब करेंगे और उस हीट का ये यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा रहेगा, जिगजैग रहेगा। और अगर मान लो आपने बैटरी अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये तो होगी थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू रूम टेम्परेचर। और अगर बच्चों आपने बैटरी अप्लाई कर दिया, बैटरी अप्लाई करने का मतलब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मान लो बच्चों मैं इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अप्लाई करता हूँ, तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने स्टार्ट कर देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो क्या बोलेंगे, इसे में अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। हालांकि इन इलेक्ट्रॉन के पास में अभी भी थर्मल वेलोसिटी है, क्योंकि ये कंडक्टर रूम में रखा हुआ है, तो रूम में रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर होगा, तो इनके पास में थर्मल वेलोसिटी है। ये चाहते हैं वे जिगजैग मोशन करें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इनको जिगजैग मूव करने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है लेफ्ट साइड में और फोर्स किधर लगेगा बच्चों, राइट साइड में। नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। और जब ये ऐसे मूव करेंगे तो धारणा बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे। जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना, और इन पॉजिटिव आयन से बच्चों ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। इसकी कहानी कुछ ऐसे होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है ना, फिर इसे कोलिजन करेगा, फिर इसे कोलिजन करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका पाथ हल्का फुल्का जिगजैग होता है, लेकिन डायग्राम में अपन इसको स्ट्रेट ही दिखाते हैं। और ये जो इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की कहानी आपको दिखाऊं इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन की, तो आप ये देखो कि मान लो कि ये मेरे पास है पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये इससे कोलिजन करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी कि स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा है, ये जो पॉजिटिव आयन जो है इनसे ये क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कि भाई आप फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, तो एक्सेलेरेशन जो होगा वो फोर्स बाई एम, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलेरेटेड नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस कोलिजन होगी। और कंटिन्यूस कोलिजन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस कोलिजन होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। दो टर्म इसमें काम में आएगी, यानी कि मान लो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से यहाँ पर गया, तो इसको जो टाइम लगेगा, ठीक है, इनके बीच में जो टाइम लगेगा इसको मैं बोलूंगा रो, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको मैं क्या बोलूंगा, लेमडा। यानी कि इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव से कोलिजन करी, उसके बाद में इससे कोलिजन करी, तो एक तो टो काम में आएगा, तो टो को लिख लो रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या इसको एक साथ लिखा देंगे अपन, चलो कोई नहीं, एक साथ लिखा दूंगा मैं। तो यहाँ तक तो अपन बच्चों अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आपने बैटरी नहीं लगाई तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करेंगे, उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपने बैटरी लगा दी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा, थोड़ा स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है। तो उसके पास में कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी होगी जब आप क्या करोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, अप्लाइड करोगे। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं करा है, तो कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए बैटरी का होना जरूरी है। आज अपन इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला, उसके बाद में करंट का फॉर्मूला, उसके बाद में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो आज तीन डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो क्या होती है, ठीक है, और उसकी चर्चा के बाद में अपन इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि भाई साहब इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये कंडक्टर ले लिया बच्चों मैंने, और
इसको मैंने एक बैटरी से बच्चों कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वी वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहता हूँ बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, एक इलेक्ट्रॉन देखो दिखा रहा हूँ, वैसे दानगना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों ये मान लो पॉजिटिव आयंस, ये एक पॉजिटिव आयंस, फिर ये पॉजिटिव आयंस, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, राइट साइड में, ठीक है, उसके बाद में ये इधर जाएगा, उसके बाद में इधर जाएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आएगा। करंट कैसे फ्लो होगी बच्चों, करंट दानगना फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होगी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की कहानी मैंने दिखाई है आपको, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, और ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव आयन से बच्चों क्या करता रहेगा, कॉलिजन करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ आया, इसने कॉलिजन करी, फिर इससे कॉलिजन करी, फिर इससे कॉलिजन करी, जब इससे कोलिजन कर रहा है तो किस वेलोसिटी से आएगा, यू से, और कोलिजन के बाद में जाएगा किस वेलोसिटी से, वी से। एक ये वाला भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैं और लेता हूँ यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने ये ले लिया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है मान लो ये इस पॉजिटिव से करा, फिर इस पॉजिटिव से कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, दो नंबर इलेक्ट्रॉन है, ये इससे आएगा, फिर इससे कोलिजन करेगा, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन मान लो आगे गया, ऐसे कोलिजन करा, ये इलेक्ट्रॉन आया किस वेलोसिटी से बच्चों, यू टू से, यानी कि कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी है u, इनिशियल वेलोसिटी को u से देखते हैं, और आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, v2। और वैसे आपको पता है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, n इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक या दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, वो वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसी का फॉर्मूला आज अपन ड्राइव करने जा रहे हैं, इसी का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लो इसमें जो आती है, कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रो, ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी इन दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको बच्चों में क्या बोलूँगा, लेमडा, डी आई एस का मतलब डिस्टेंस, ये कितनी होगी, लेमडा। तो एक तो टोक की डेफिनेशन लिख लो, टोक क्या होता है, तो टोक को मैं बोलता हूँ रिलैक्सेशन टाइम, तो होता है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, और इसकी डेफिनेशन होती है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ये होता है बच्चों फ्री पाथ, ये क्या होता है, फ्री पाथ जो होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई। अब देखो बच्चों ध्यान से, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो फोर्स लगेगा इस पर क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है ये, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, फोर्स कितना लग रहा है इसमें, राइट साइड में लग रहा है। जब मैं इसका एक्सीलरेशन निकालूंगा तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, फोर्स बाई एम, ये आ जाएगा माइनस ई बाई एम, ई हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, कैपिटल ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम क्या हो जाएगा उसका मास, ठीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बच्चों, ये क्या करेगा, मूव करेगा, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करूंगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं यूज करूंगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन की देखो कोलिजन के बाद में वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, और t क्या हो गया, टाइम। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और टाइम को टो से लिख रहे हैं तो टो, भाई पहली कोलिजन में टाइम लगा टो, ठीक है, टो वन इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो वी टी इक्वल टू यू टी प्लस टो टी। ऐसे अपने पता है कि अपने पास में भाई दो तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन के लिए बन जाएगा ये।
और सबके लिए देखो मैंने एक्सीलेशन सेम रखा है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलेशन सेम है, इस इलेक्ट्रॉन का, इसके नीचे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा सबका एक्सीलेशन सेम है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के लिए ये पैरामीटर सेम है, मास सभी का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पर आपने सेम लगाया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास में कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास में क्या होती है, वो होती है इन सभी वेलोसिटी का आप क्या कर दो, एवरेज कर दो, यानी कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डैश 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 प्लस वी एन डिवाइडेड बाई एन, इन सब वेलोसिटी का आप क्या कर दो बच्चों, वेक्टर सम कर दो। तो मेरे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी ठीक है ना, जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन है उन सब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप फाइंड करो, उसका एवरेज कर दो, ठीक है, आपके पास में क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि भाई साहब एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। अरे भाई साहब एवरेज वेलोसिटी तब जीरो होती है जब आप बैटरी अप्लाई नहीं करोगे, जब आप बैटरी अप्लाई नहीं करोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, प्लस से दो से भाग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, माइनस दो से भाग रहा है तो प्लस दो और माइनस दो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन वो तब होती है जब आप बैटरी अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि जब आप बैटरी अप्लाई नहीं करते हो तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं, अपनी मर्जी से मूव करता है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई अप जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, तो किसी की वेलोसिटी प्लस दो होगी तो किसी की माइनस दो होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, किसी की प्लस फाइव होगी, किसी की प्लस फाइव होगी तो किसी की माइनस फाइव होगी, बच्चों वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इस केस में ये मत बोलना कि सर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अरे भैया ठीक है, अरे बच्चों एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने बैटरी लगाई है और बैटरी लगाई है तो बैटरी अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, वो अपना फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, और उन सभी वेलोसिटी का अपन को क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, उन सभी वेलोसिटी का अपन को एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज देखो वी वन की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यू वन प्लस ए यू टू प्लस ए टॉट डैश डैश डैश, ये हो जाएगा यू एन प्लस ए ओ एन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर लगा देना, वेलोसिटी वेक्टर होती है तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उन पर वेक्टर लगा दो, टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उस पर वेक्टर मत लगाना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी बच्चों वो जाएगी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डैश डैश, ठीक है, लास्ट में हो जाएगा ये यू एन, और एक्सीलेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर देता हूँ बच्चों में एन का, ठीक है, ये हो गया एन का मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, एन का डिवाइड कर दिया, यू वन यू टू यू थ्री को मैंने एक साथ ले लिया, एक्सीलेशन कॉन्स्टेंट आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये टो वन टो टू, ठीक है, डैश डैश, ये हो जाएगा एन। अब ये जो चीज़ है बच्चों ये हो जाएगी जीरो, ये एवरेज वेलोसिटी होती है विदाउट बैटरी, तो ये जीरो हो जाएगी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ये जीरो होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा जीरो प्लस एक्सीलेशन, बच्चों एक्सीलेशन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, माइनस ई टो बाय एम, और ये हो जाएगा टो एवरेज, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं क्या बोलूंगा, टो एवरेज, तो एवरेज का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो फाइनली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस ई ई एम, तो एवरेज को मैं टो से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको टो एवरेज लिख दो या कभी टो लिख दो, एक ही बात है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अपने पास में आ गया, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला गया, जो नेगेटिव क्या बताता है बच्चों, नेगेटिव ये बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर है, लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन देखो किधर मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, वी की नहीं हुई। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे मैं स्टार लगाऊंगा और उसको याद रखना डायरेक्ट, ठीक है, माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाय एम, और इसको एक फॉर्मेट में और लेके आते हैं। देखो अपन, आपको सबको पता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेल्टा वी जो होता है वो होता है माइनस ई डेल्टा आर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसमें देखो मैं वी लगाऊंगा, तो ये कंडक्टर की लेंथ है, ये बच्चों क्या है, कंडक्टर की लेंथ है,
कंडक्टर की क्या है, लेंथ एल ले ली मैंने, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे, ये हो जाएगा ई एल, तो यहाँ से बच्चों ई का फॉर्मूला आ जाएगा वी एल, तो एक ई की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दो, जब ई की वैल्यू पुट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आ जाएगा ई वी टू एम एल, एक फॉर्मूला ये और आ गया अपने पास में ई वी टू एम एल। इसको नोट कर लें बच्चों, इसको नोट कर लें, कर लिया नोट, अब नोटिफिकेशन देख लो, जो नोटिफिकेशन जो आप ले रहे हो क्या क्या ले रहे हो नोटिफिकेशन, तो मैं नोटिफिकेशन लिख देता हूँ उसमें, तो इसमें देखो क्या क्या नोटिफिकेशन है, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे अपन। ई क्या होता है बच्चों, ई अपने पास में होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों ये आया है ई, ये अपने पास में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, बैटरी का, अगर मान लो आप सेल लगा रहे हो कुछ और लगा रहे हो तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके बाद में टो, टो मैंने बता दिया बच्चों क्या होगा, रिलेक्शन टाइम हो गया, टो को छोड़ दो, ठीक है। एम, एम अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी बच्चों क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, और बच्चों एल जो है वो हो जाएगी अपने पास में लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें, ठीक है, साथ में इसको भी नोट कर लें, कर लिया। अब अपन पढ़ते हैं करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन करंट, करंट को मैंने आई से दिखा दिया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या फॉर्मूला इसका आएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये कंडक्टर ले लिया और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव और बच्चों ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो मैं एक हल्का सा एक शेडेड एरिया ले लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ उसमें। अब इलेक्ट्रॉन पर देखो इधर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन सारे जो इलेक्ट्रॉन है इधर भागेंगे, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएंगे इसमें, और उसके बाद में इसको क्रॉस कर जाएंगे, और ये शेडेड एरिया हो गया इसका, ठीक है। तो अपन करंट का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, और आपको पता है कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, तो मेरे को आज ये फाइंड करना है कि यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से बच्चों पास होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको मैंने एक नंबर नाम दे दिया, ये वाला, ये ए वाला नानकना, इसका जो एरिया है ये वाला, ये इसका एरिया है ए, ए क्या बच्चों इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस जब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालनी इनके बीच में, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया स्पीड, तो स्पीड हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम मैंने कितना लिया है डीटी, क्योंकि इसमें जो अपन टाइम कंसिडर कर रहे हैं अपन ये देख रहे हैं कि स्मॉल टाइम डीटी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पास करेंगे, तो तो कुछ पैरामीटर को अपन कंसिडर करते हुए चलते हैं। एक तो बच्चों मैं इसमें स्मॉल एन को काम में लूँगा, स्मॉल एन क्या होता है बच्चों, स्मॉल एन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
स्मॉल एन क्या होता है बच्चों, स्मॉल एन होता है अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद में एन जो होता है आपके पास में, इसका एक नाम और होता है, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एन आपके पास में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो स्मॉल एन को ध्यान में रखना, मैंने ये लिया है। अब ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बस आप ये फाइंड कर लो कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पास हुए, और उस जितना भी चार्ज इसमें से, जितना चार्ज इसमें से पास हो रहा है उसका डिवाइड कर दो किसका, टाइम का। तो आपके पास में बच्चों क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं इसमें क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास क्रॉस सेक्शन वन इन dt टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन शेडेड एरिया। इस लाइन का मतलब समझो, मैंने ये कहा है कि अगर भाई साहब 500 इलेक्ट्रॉन dt टाइम में, अगर 500 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्रॉस करेंगे तो वो 500 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे, ये आएंगे उसके बाद में इसको क्रॉस करेंगे। तो मैंने ये लाइन लिखी है कि भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट पास क्रॉस सेक्शन वन इन डीटी टाइम इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड इन शेडेड एरिया, यानी कि अगर डीटी टाइम में 500 इलेक्ट्रॉन अगर इसको क्रॉस करते हैं तो वो 500 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएंगे, ठीक है। 500 इलेक्ट्रॉन मैंने एक रफली आइडिया लिया है, कोई जरूरी नहीं है 500, 5 करोड़ हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी को आगे कोरिलेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ चार्ज डेट पास क्रॉस सेक्शन वन इन डीटी टाइम वो चार्ज कितना हो गया बच्चों, dQ। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ रहे हैं, इससे पहले का आपने फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, क्यू इक्वल टू एन ई, याद है ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में अपने पढ़ा था, क्यू वहाँ चार्ज होता है, क्यू बच्चों क्या होता है चार्ज। ये एन और वो एन अलग है, ये एन डेंसिटी है और ये एन बच्चों क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है बच्चों, इसमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं जब dQ निकालूंगा तो dQ मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, एन इंटू चार्ज, तो ये एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ज इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो dQ जब मैं निकालूंगा तो देखो नंबर ऑफ चार्ज यानी कि कैसे निकालूंगा, एन इंटू वॉल्यूम भाई, नंबर ऑफ चार्ज क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें देखो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ चार्ज का मतलब अगर आप ऐसा लिखना चाहते ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई। तो यहाँ से में जो मेरे dQ का फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो क्या आएगा, एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई, ठीक है। तो ये dQ जो है ये क्या जाएगा, एन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम किसका, इसका, तो इसका देखो लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ इसकी ये है, और इसका एरिया, जिस ये एरिया ए है तो ये भी एरिया कितना होगा, ए ही होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको मालूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ कह दो या एरिया इंटू थिकनेस कह दो। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जो डिस्टेंस है वो लेंथ का काम करेगी, तो लेंथ जो यहाँ पर बनेगी वो बन जाएगी VD, और ये dt टाइम, और ये कितना हो जाएगा ई। dt को यहाँ लियो, ये हो जाएगा dQ अपॉन dt, तो ये बन जाएगा आपके पास में फॉर्मूला NaVDe। और आपको पता है कि ये जो dQ अपॉन dt है ये बन गई करंट, चार्ज फ्लो रेट बन गई करंट, और इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा V ना, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, V ना, और ये दूसरा स्टार आज का दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और V इसके बेस में D जरूर लिखना, ठीक है। तो ये अपने पास में इसको ऐसे याद कर लेना, V ना है, ठीक है। VD क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों, VD क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन का ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ए ध्यान में रखना, यहाँ पर ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ
कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसको नोट कर लें, कर लिया बच्चों, इसको पॉज करके नोट कर लें। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास में आ रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपन रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, देखो रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस जिसको मैं दिखाऊंगा आर से, क्या होती है बच्चों रेजिस्टेंस? तो देखो मैंने आपको कहा था कि भाई साहब ये कंडक्टर है, इसमें ये बैटरी लगाई आपने बच्चों, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा प्लस है माइनस, ठीक है ना। आपके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसके बीच बीच में बांधा आएंगी, ऑब्स्टेकल आएगा, ठीक है ना। तो ये बेचारा टक्कर खा खा के, कोलिजन कर करके यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, उसके बाद में इससे कोलिजन करी, फिर इससे कोलिजन करी, फिर यहाँ पहुँचा। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में जो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ठीक है, ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं और बांधा उत्पन्न करते हैं, और उसी बांधा या ऑब्स्टेकल को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव पहुंचेगा, लेकिन ठोकर खा खा के, कोलिजन कर करके, ठीक है ना, इससे कोलिजन करी, फिर इससे करी, फिर इससे करी। मैंने डायग्राम में तीन ही पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, रियल में तीन पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं, रियल में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं लाखों की संख्या में। तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा ठोकर खा खा के यहाँ पहुंचेगा, और जो ये ठोकर खा रहा है, जो उसको ठोकर दे रहे हैं पॉजिटिव आयंस, यही क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस होता है। अब किस मेटल में ये कितने पॉजिटिव आयंस होंगे, किस मेटल में ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अलग अलग मेटेरियल के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव अलग अलग होते हैं। सिल्वर के लिए सबसे कम होते हैं, इसलिए बोलते हैं सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल टू ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब हिंदी वीडियो में धारकना अवरोधक, विरोध करना। प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल टू ऑब्स्ट्रैक्ट फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट कह दो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब ये वाली लाइन को ध्यान से रखना, इसको मैं अगर बार बार लिखता हूं ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल का मतलब ये होता है कि अलग अलग मेटेरियल के लिए आर अलग अलग होगा। सिल्वर के लिए आर अलग होगा, गोल्ड के लिए आर अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए आर अलग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग मेटेरियल में ये जो कैटाइन्स है, ये जो पॉजिटिव आयन्स है, ये जो कर्नल है, इनकी संख्या, इनका नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। अब बच्चों बनाते हैं फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला बच्चों क्या आया था? वीणा आया था, वी ना, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। और बच्चों को आपको मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ई टो ए एम, ये फॉर्मूला था। यहाँ लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आया था, लेकिन नेगेटिव ये बता रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो मैं डायरेक्शन को काम में नहीं ले रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को काम में ले रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों इसकी लेंथ एल है, अगर इसकी लेंथ क्या है? एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? वी बाई एल। तो यहाँ से अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आया था, याद इसको रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे अपन। तो ये वी टो, और ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? एम एल। अब आप क्या करो, इसको पुट कर दो इसमें। तो अब आपके पास में जो आई का जो नया फॉर्मूला आएगा, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आएगा ई वी टो, और ये बच्चों हो जाएगा एम एल, और ये हो जाएगा ई एन ए। कोई बच्चों, अब वी को मैं यहाँ रखता हूँ, बाकी को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो एम एल एम एल को भेज दिया, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टो, और ये हो गया आई, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बच्चों, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट एम एल एन ई स्क्वायर ए टो, तो बच्चों ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बच्चों ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो रिलेशन आएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पढ़ा है बच्चों, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी
बैटरी का पोटेंशियल आई क्या हो गई करंट बिल्कुल बड़ा है, ओम लो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओम लो, ये ओम लो होता है। और जब इसको जब आप हटाते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो आर आएगा, तो वी इक्वल टू आई आर, यानी कि ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बच्चों ये क्या है आपका आर है। अब मैंने ये क्यों लिखा कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो एल चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा, ठीक है, एन चेंज होगा, ए चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, अरे भाई साहब टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर हीटिंग करोगे, हीटिंग करोगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, एल चेंज हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंड हुआ, एल बड़ा, एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एन भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज करने से ये पैरामीटर कैसे चेंज होता है, ये पैरामीटर का मतलब आर। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो ये सारा पैरामीटर जो है ये एम एल ये कांस्टेंट हो गए, ठीक है, और ये कांस्टेंट होकर बच्चों क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे। इसमें एम आपको पता है क्या होता है, एम होता है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या होगी लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन क्या हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई क्या हो गया चार्ज ऑन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या हो गया बच्चों यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और टो क्या हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला अपने पास में आया इसको मैं जरूर कहूंगा, तो स्टार लगा ली, तो आर का जो ये फॉर्मूला आया अपने पास में एम एल एन ई स्क्वायर ए टू, ठीक है, तो यहां से देखें लिख लिया बच्चों, इसको पॉज करके नोट कर लो, लिख लिया पॉज करके, तो रेजिस्टेंस जो है हिंदी में बच्चों इसको प्रतिरोध कहते हैं, हिंदी में बच्चों इसको क्या कहते हैं प्रतिरोध। तो अभी अपने पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से अपन एक फॉर्मूला और बनाते हैं, तो ध्यान से देखो, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला अपने पास में आया एम और एन ई स्क्वायर टो, और ये मैं लिख देता हूँ एम एल, जानबूझकर मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि ये बनेगा आपका रो, एक फॉर्मूला आपके पास में ये बनेगा आर इक्वल टू रोले बाय ए, आर इक्वल टू रोले बाय ए। अब रो क्या होता है, तो रो का फॉर्मूला बन गया अपने पास में एम एन ई स्क्वायर, तो इसको कहते हैं बच्चों रजिस्टिविटी, हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, हिंदी में बच्चों इसको क्या कहते हैं प्रतिरोधकता। इसकी यूनिट मैंने नहीं लिखी, इसकी देखो यूनिट होती है आर का फॉर्मूला एक ही होता है वी अपॉन आई, ओम लॉ से वी अपॉन आई, एक तो यूनिट इसकी ये होती है वोल्ट एम्पियर, और एक होती है बच्चों इसकी ओम, ज़्यादा फेमस होती है ओम, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें तो रेजिस्टिविटी जो है वो एन नॉट टू पर डिपेंड करती है, और एन नॉट टू बच्चों मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, भाई साहब किस मेटल में एन ज़्यादा होगा किस में कम होगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब रो भी बच्चों क्या है, रो जो है आपके पास में क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल, ये भी बच्चों क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल, यानी कि अलग अलग मेटेरियल के लिए बच्चों ये भी रो भी क्या होगा अलग अलग होगा। अब आर की अगर डिपेंडेंसी की मैं बात करूं यहां से देखो, तो ठीक है आर की मैं बात करता हूं कि भाई साहब आर देखो किस किस पर डिपेंड करेगा, तो आर की अपन बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्मूला आया है इसी से, तो आर और ये मैं बात करता हूं बच्चों आर किस पर डिपेंड करता है, आर बात करते हैं आर किस पर डिपेंड करता है, देखो एक तो आर डिपेंड करता है एक तो देखो बच्चों आर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, क्यों करेगा क्योंकि एन और ई जो होता है एन एंड रो ये जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब वो कैसे करेगा यार वो तो बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एक देखो किस पर डिपेंड कर रहा है लेंथ और एरिया पर,
एक डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ एरिया पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आर किस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। तो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं एन नॉट ओ, एक डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ एरिया यानी कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर। ज्योमेट्रिकल फैक्टर का मतलब, ज्योमेट्रिकल फैक्टर का मतलब साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मेरे पास में ये वायर है और ये वायर है 1 मीटर है, कॉपर का वायर है, ये बच्चों कॉपर का वायर है और इसका आर 10 है, आर कितना है 10 है। अगर मैं इसकी लेंथ डबल कर दूं, अगर लेंथ डबल करोगे तो आर क्या हो जाएगा, डबल हो सकता है, लेकिन अगर एरिया कॉन्स्टेंट रहे तो। अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया को चेंज करोगे तो भी आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और ज्योमेट्रिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चों। अगर आपने ज्योमेट्रिकल फैक्टर चेंज कर दिया, इसको न्यूमेरिकल करेंगे, लेंथ को चेंज कर दिया, एरिया को चेंज कर दिया, ठीक है ना, तार को खींच के लंबा कर दिया, तार को कंप्रेस कर दिया, लेंथ और एरिया चेंज करोगे तो आर चेंज होगा। ठीक है, इसको लिख लो, यहाँ तक पॉज करके इसको उतार लो बच्चों, लिख लिया आप देखो। तो आर की डिपेंडेंसी की बात कर ली अपन ने, अब अपन बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आर जो है, आर की डिपेंडेंसी के बाद में अपन बात करते हैं रो की डिपेंडेंसी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो है, तो रो जो है रेजिस्टिविटी, इसके बात करते हैं डिपेंडेंसी, ठीक है। तो रो जो है वो किन पर डिपेंड करेगा, तो देखो बच्चों, एक तो रो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, क्यों करेगा, क्योंकि रो के फॉर्मूले में एन और टू आ रहा है, क्योंकि एन और जो टू है बच्चों ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एक तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और बहुत अच्छी बात ये है, ठीक है, यानी कि एक पर ही डिपेंड करेगा ये। और इसमें नोट डाल के लिख लें कि आपका जो रो है, रो यानी कि रेजिस्टिविटी रो इन डिपेंडेंट, रो इन डिपेंडेंट लेंथ एंड एरिया, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर, यानी कि अगर किसी वायर को, अगर आपने किसी वायर को खींच के लंबा कर दिया, ये किसी वायर को कंप्रेस कर दिया, तो रो चेंज होगा, उसका आर चेंज होगा, सॉरी आर चेंज होगा, प्रतिरोध चेंज होगा, लेकिन प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। तो ये ध्यान से रखना, रो जो है वो इंडिपेंडेंट है किस पर, एल और ए पर। तो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ए पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि आपका जो रो होता है वो सेज और साइज पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि मेरे पास में एक कॉपर है, मैंने उसकी प्लेट बना दी, अगर उसका रो 100 है, अगर मैं उसकी बॉल बना दूंगा तो भी रो कितना रहेगा, उसका 100 ही रहेगा। तो रो जो होता है वो एन पर और इस पर डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर पर चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर चेंज करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन मैं डेटा फॉर्मेट में लिख देता हूँ। मान लो बच्चों ये आपके पास में एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। लेंथ कितनी है बच्चों इसकी, एल है, क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर है। आपने इसको क्या करा, स्ट्रेच कर दिया इसको, आपने स्ट्रेच करा अप टू डबल लेंथ, यानी इसको खींच के आपने लंबा कर दिया, आपने इसको इतना कर दिया, और अब बच्चों इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2L। बच्चों खींच के लंबा करोगे तो अब इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, एक मेटल का वायर आपको गिवन है, एक मेटल का वायर है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, और रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है इसका, R है। आपने इसको स्ट्रेच कर दिया अप टू डबल लेंथ, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसका बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। अब ये तो कन्फर्म है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो, जब खींच के लंबा करोगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना होगा, रो ले बाय ए, और यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो, लेंथ डबल कर दी 2L, और एरिया कितना हो जाएगा, ए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान में रखना, नोट डाल के लिख लो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच करा
स्ट्रेस यानी कि एक्सपेंड करा, या मान लो आप उसको कंप्रेस करते हो किसी को, मान लो कोई आपके पास में वायर नहीं है, कोई ब्लॉक है, उसको आपने कंप्रेस कर दिया, या फिर मान लो आपने उसको पीट करा यानी कि पीटा, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खींचा, दबाया और पीटना, यानी कि आपने इसको पीटा, गर्म करके पीटा, ठीक है, पीटना। तो इस सब में बच्चों वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही कंसेप्ट आपको उसमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसका वॉल्यूम वी वन, इसका बच्चों वॉल्यूम वी टू क्या रहेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम वी टू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टू एल एड एस, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। रो की जगह रो, टू एल की जगह टू एल, ए डैश कैसे निकाल लिया, वॉल्यूम कंसेप्ट से, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों उसके अंदर, ए बाय टू, तो ये हो जाएगा फोर रो एल ए, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा, इनिशियल का फोर टाइम्स, यानी कि जब आप लेंथ को डबल करोगे, जब आप इस वायर की लेंथ को डबल करोगे तो लेंथ को जब डबल करोगे तो बच्चों रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स। और ये ध्यान में रखना इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना, बीट करना, इसमें बच्चों वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों इसमें, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कंप्रेस करने वाले, यानी कि आपके पास में कोई वायर था उसको आपने कंप्रेस कर दिया, या आपने इसको पीटा ऐसे से हथौड़े से, या मान लो उसको आपने खींच के लंबा कर दिया, तो इसमें वॉल्यूम वाले कंसेप्ट से करना, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको लेंथ के बारे में आइडिया देगा कि लेंथ कैसे लें बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक क्यूबॉइड है आपके पास में, ये एक क्यूबॉइड है और ये वाली इसकी डायमेंशन ए है, ये बी है बच्चों, ये क्या है, सी है। यहाँ पर फिर मैं क्यूबॉइड बना देता हूँ, ये हो गई ए, ये हो गई बी, और बच्चों ये क्या हो गई, सी, ठीक है। अब मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, और इस वाले में ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो आपको लेंथ कैसे लोगे, तो ये जो फॉर्मूला होता है अपने पास में, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये R इक्वल टू रोले बाय A, तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि जो लेंथ जो लो आप लोगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो कैसे लोगे बच्चों, अलोंग टू करंट। तो चाहे तो क्वेश्चन में लिख लो, चाहे तो उसको नोट के फॉर्मेट में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो इसमें जब मैं रेजिस्टेंस लूँगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रोले बाय ए। अब इसमें लेंथ देखो क्या होगी, तो करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये वाली जो डायमेंशन है, जो करंट के अलोंग जो डायमेंशन होती है, ध्यान में रखना, जो डायमेंशन अलोंग टू करंट होगी वो लेंथ होगी। तो ये देखो ये आई है और ये इसके अलोंग है, तो ये हो जाएगा ए। अब ये ए है तो एरिया जो आप लोगे, आप जो ए लोगे, ए फॉर एरिया, अब एरिया इन दो का लेफ रहेगा, सी और बी, तो अब इसमें जो आर का फॉर्मूला आएगा, रो ए सी बी। अब क्वेश्चन में आपको ए बी और सी की डायमेंशन गिवन रहेगी, तो इसमें तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया आराम से, ठीक है भाई, करंट ऐसे जा रही है तो करंट के लॉन्ग ये है। अब इसमें देखो करंट ऐसे आ रही है, इस बार देखो जो आपकी करंट आ रही है ऐसे, तो इसके अलॉन्ग देखो डायमेंशन कौन सी है, सी, तो इस बार यहाँ पर एल कौन सी होगी, सी, एल कौन सी होगी, सी, एरिया ये होगा ए और बी। भाई साहब एरिया ये है ना, ये वाला देखो एरिया ये है और करंट ऐसे जा रही थी, तो करंट के अलॉन्ग ये वाली डायमेंशन थी, तो सी तो काम करेगी लेंथ का, और जब आप एरिया लोगे, क्या लोगे, एरिया लोगे, तो एरिया क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास में, बी सी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाओगे रोले बाय ए का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा सी, और ये क्या, सॉरी, ये हो गया सी, और एरिया जो हो गया वो जाएगा ए बी, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। तो लेंथ का ध्यान में रखना,
ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रही थी तो करंट के अलोंग ये डायमेंशन थी तो लेंथ ये होगी और ये दोनों एरिया बन गया। इसमें करंट बच्चों ऐसे आ रही थी तो लेंथ के अलोंग ये डायमेंशन थी तो ये लेंथ बन गई, करंट के अलोंग ये थी, करंट के अलोंग ये थी तो ये लेंथ बन गई और बाकी दो क्या बन गई बच्चों, एरिया बन गई। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, लिख लिया इसको, ठीक है इसको नोट कर लें, एक तो इसको नोट कर लें। और मैं कहता हूँ बच्चों इसमें करंट ऐसे फ्लो होती है ऐसे, ठीक है ये आई है ऐसे, ठीक है, और इसकी जो इनर रेडियस है, इसकी इनर रेडियस बच्चों कितनी है आर वन, और इसकी जो आउटर रेडियस है बच्चों को कितनी है आर टू, यानी कि ये वाली जो रेडियस है ये आर वन है और ये जो रेडियस है बच्चों ये कितनी है आर टू। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें आर फाइंड करना है, आर बोले तो क्या रेजिस्टेंस, आर फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है बच्चों इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रोले बाय ए, तो इसके लेंथ तो चलो आपको एल गिवन है ये, ठीक है पैरामीटर चेक कर लेते हैं इसका, ये तो गिवन है कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया देखो, लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैंने कहा था करंट के अलोंग जो डायमेंशन होगी वो लेंथ होगी, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये करंट है तो करंट के अलोंग ये लेंथ होगी। एरिया कौन सा लोगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो एरिया ये वाला लेना पड़ेगा सिर्फ, इसमें देखो करंट फ्लो हो रही है, ये वाला जो एरिया है ये वाला जो एरिया है आपको ये लेना है, तो जो एरिया जो आप लोगे ये कितना लोगे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, तो फाइनली जो आपके पास में आ रहेगा रो एल ये आ जाएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है ये इसका आंसर हो गया, ये बच्चों क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन हो लेते हैं, इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही थी इसके अलोंग और पूरे में ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, यहाँ पर देखो ये एरिया अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका पूरा क्या था सेम था। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एरिया वेरी करेगा, ध्यान रखना इसमें ए जो है वो क्या था हमेशा कॉन्स्टेंट था अलोंग टू आई, एरिया चेंज नहीं कर रहा था, जो एरिया यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है और वही यहाँ है। इस बार ये वाला एरिया है और करंट जो फ्लो हो रही है बच्चों इसमें इस बार ऐसे हो रही है, यानी कि करंट ऐसे निकल रही है इसमें, ये करंट ऐसे निकल रही है, ठीक है तो ये करंट है और ये लेंथ है इसकी एल। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ये देखो अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊँ, ये कौन सा व्यू है बच्चों इसका साइड व्यू, अगर मैं इसका बनाता हूँ साइड व्यू, तो साइड व्यू में ये देखो एरिया वेरी कर रहा है बच्चों इसमें, ठीक है इसके अंदर आप देखो आर का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे रोले बाय ए, तो इसमें देखो आपका जो एरिया है, एरिया बच्चों क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, एरिया क्या कर रहा है बच्चों वेरी कर रहा है, ठीक है क्योंकि करंट जब आपकी फ्लो होगी, देखो जब आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है करंट इसमें से जब यूँ निकलेगी तो एक बार तो देखो एरिया ये होगा, ठीक है अगली बार देखो एरिया ये हो जाएगा, एरिया बढ़ गया, उससे अगली बार देखो एरिया क्या होगा ये होगा, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया इसके लिए क्या है वेरी है, तो एरिया वेरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका एरिया वेरी है तो आपको इंटीग्रेशन मेथड काम में लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मेथड में आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा एलिमेंट लेना पड़ेगा और जो आप इसमें एलिमेंट लोगे वो क्या होगा सेल होगा सिलेंड्रिकल, ठीक है सिलेंड्रिकल सेल मानेंगे। एरिया समझ में आ गया, पहले देखो उसके लिए अगर मैं एरिया की बात करूँ तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो पहले देखो करंट इसमें निकली तो एरिया इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो एरिया वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली आपका जो एरिया है, ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है कि एरिया क्या कर रहा है बच्चों वेरी कर रहा है। जब भी एरिया वेरी करे तो इंटीग्रेशन मेथड काम में लो, आप एक एलिमेंट लो, तो मैं इसके अंदर एक एलिमेंट कट करूंगा एक स्मॉल एलिमेंट, यानी कि मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो सेल है
सॉरी, ये जो सिलेंडर है, ये जो आपका सिलेंडर है, ये स्मॉल स्मॉल सिलेंडर से मिलकर बनाए, ठीक है। ये किससे मिलकर बनाए बच्चों? स्मॉल स्मॉल सिलेंडर से ये मिलके बनाए, ठीक है। तो मैंने एक स्मॉल सिलेंडर ले लिया, ये वाला, तो मैं ये सिलेंडर ले रहा हूँ, ये स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। और इस स्मॉल सिलेंडर का जो मैं ये ले रहा हूँ, तो ये जो इसकी ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, और ये वाली जो डायमेंशन है, ये बच्चों कितनी है? डी आर। और ये जो इसकी रेडियस है बच्चों, ये कितनी है? आर, ठीक है। ये इसकी रेडियस है, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो सिलेंडर है, ये स्मॉल स्मॉल सिलेंडर से मिलकर बना है, इस टाइप के सिलेंडर से बन के बना है, यानी कि मैंने इसमें ये एक स्मॉल इंटरसेप्ट लिया है, इस टाइप का, ऐसा, समझ में आ गया? इस टाइप का सिलेंडर मैंने इसमें से लिया है ये, ठीक है ना। और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये जो है, ये किसका काम करेगा बच्चों इस बार? लेंथ का। ये जो मैंने कहा था भाई, लेंथ कैसे लोगे अलोंग टू डायमेंशन, तो करंट आपके ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये लेंथ का काम करेगा, ठीक है। ये भी कितना है? आर डी आर, ठीक है। तो आप देखो इसमें, जब आप इसका, जब आप एरिया लोगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? टू पाई आर एल। करंट जो है कौन से एरिया से पास हो रही है? कर्व एरिया, सिलेंडर का जो कर्व एरिया है, सिलेंडर का जो कर्व एरिया है, उस कर्व एरिया में से आपकी करंट पास हो रही है, तो वो एरिया कितना हो जाएगा? टू पाई आर एल, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? डी आर, डी आर स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए डी आर हो गया। एक स्मॉल इंटरसेप्ट लिया मैंने, एक स्मॉल इंटरसेप्ट को मैंने कट करा है, और ये जो स्मॉल इंटरसेप्ट है, ये जो एलिमेंट है, ये सेल बनेगी सिलेंड्रिकल, तो एरिया हो गया डी आर। रो सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो लेंथ ये बन जाएगी, तो ये हो गया बच्चों डी आर, ठीक है। और एरिया, तो एरिया हो जाएगा टू पाई आर एल, और उसके बाद में इसका बच्चों इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन देखो, डी आर के लिए करना है, तो डी आर इसकी ये है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भाई? ये वाली डायमेंशन में ए ले लेता हूँ, और ये वाली आउटर में क्या ले लेता हूँ? बी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इनर रेडियस ए है, और आउटर रेडियस बच्चों क्या है? बी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? ए से बी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब। देखो डी आर का बच्चों क्या हो जाएगा? आर। रो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेना, टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेना, पाई को बाहर ले लेना, ठीक है, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेना, बच्चे का क्या? वन अपॉन आर। और वन अपॉन आर का बच्चों क्या होता है? लॉग। क्या होता है? लॉग आर, ठीक है। उसके बाद में लिमिट प्रूव कर देना बी ए। तो फाइनल जो आपके पास में आएगा, रो टू पाई एल लॉग बी अपॉन ए, ये बेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में एरिया वेरी करे, तो आप क्या कर लो, उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, और ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में इसका जब स्मॉल एलिमेंट लोगे, तो वो खुद एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सिलेंडर लिया, कितनी थिकनेस का? डी आर थिकनेस का। और जो इसकी थिकनेस है, वो किसका काम करेगी? लेंथ का करेगा। और एरिया कौन सा लोगे? एरिया जो आपको ये दिख रहा है ना, ये शेडेड एरिया, आपको क्या करना है? सिलेंडर का शेडेड एरिया लेना है, क्योंकि इसी शेडेड एरिया में से करंट क्या हो रही है? पास हो रही है। तो एरिया कितना हो गया? टू पाई आर एल, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है? ये एल लेंथ है, क्योंकि जिस लेंथ का सिलेंडर है, उसी लेंथ का आपको एलिमेंट कंट करना है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एल। तो अब रो की जगह रो आ गया, लेंथ की जगह क्या आ गया? डी आर आ गया। एरिया कितना हो गया? टू पाई आर। तो इस आर का डी आर के रेस्पेक्ट क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। तो आर के रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो इस आर की लिमिट देखो कहां से कहां तक हो सकती है, यानी कि आर की लिमिट ए से बी तक हो सकती है, जहां ए क्या है? इनर रेडियस, और बी क्या है बच्चों? आउटर रेडियस, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, उसमें अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो अपनी, ठीक है। नया चैप्टर है, कंटिन्यूस इसको देखते रहो, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी है, सारे अच्छे वैरायटी के मैं सॉल्व करा दूंगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर करें, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। थैंक यू।